Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe the channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. तो आज का रेसिपी है क्रिस्पी रावा टोस्ट. ये प्योर वेजिटेरियन डिश है. ठंडा का विंटर का जो सब्जी होता है, मैंने उसमें कैरेट ले लिया, ऑनियन और टोमेटो, ग्रीन चिली, नमक, इंडियन भाजा मसाला पाउडर, सूजी और दही ले लिया. तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे पत्ता गोभी ले सकते हो, फूल गोभी थोड़ा स्टीम करके, कैप्सिकम, मशरूम, ग्रीन चिली, स्वीट कॉर्न. तो पहले मैं क्या करूँगी, सूजी और दही को मिला लूँगी. दही को छान के मैंने पानी पूरा फेंक दिया. आपके पास हंकड़ नहीं हो तो ऐसे करके पानी फेंक के यूज़ कीजिएगा. और ये इंस्टेंट रेसिपी बनता है और बहुत जैसे क्विक होता है, 6 मिनट पे पूरा कुकिंग हो जाता है. और इसके साथ मैं मिला लूँगी कैरेट, ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली, सारा कुछ एक साथ मिला के मैं रख दूँगी. अगर आपके पास कम टाइम हो, आप पहले से बना के फ्रिज पे भी रख सकते हैं. फिर मैं ब्रेड के ऊपर इवेनली इसको स्प्रेड कर दूँगी एक चम्मच की हेल्प से. और इसका कुकिंग टाइम 6 मिनट्स है. इसको लो हीट पे पकाना पड़ेगा, नहीं तो सूजी जल के पूरा कड़वा हो जाएगा, ये याद रखिएगा. देखिए मैंने पूरा इवेनली करके स्प्रेड करके फ्राइंग पैन पे 1/2 टेबल स्पून ऑयल देके रख दिया. 3 मिनट बाद मैं पलट दूंगी इसको. पलटने के बाद तो वो सूजी वाला, दही वाला जो टेक्सचर है वो फ्राई हो जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा. ये बहुत आसान स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक, और आप लंच पे भी, लंच बॉक्स पे ले सकते हो टिफ़िन के तौर पे. मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ. आप चिली सॉस या टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो. देखिए कितना अच्छा बना. मैंने बना के ट्रायंगुलर शेप पे काट के सर्व किया. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. बाय.